ये मेरी सिस्टर की डॉल थी, मैं सिर्फ चेक कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अहद एनिमेट। सो आज की वीडियो में हम कुछ मॉडल करेंगे छोटा मोटा, बहुत ही बेसिक, और उसके ऊपर स्काई टेक्सचर हम लोग ट्राई करेंगे और उसके बेसिक सीखेंगे। स्काई टेक्सचर बेसिकली HDRI की तरह एक टेक्सचर है, लेकिन हम उसकी सेटिंग खुद करते हैं। तो आए चलते हैं। एक मिनट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ब्लेंडर ओपन करेंगे और सब कुछ डिलीट कर देंगे बाय प्रेसिंग एक्स एंड डिलीट। फिर हम लोग शिफ्ट ए दबाएंगे और एक सिलेंडर या फिर सर्कल ऐड कर लेंगे, या फिर सिलेंडर इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये ग्लास के बिल्कुल करीब करीब है। फिर हम इसको शेड स्मूथ देंगे, यहाँ पर जाएंगे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में नॉर्मल के नीचे ऑटो स्मूथ का बटन दबा देंगे। उसके बाद हम लोग टैब प्रेस करेंगे टू गो टू एडिट मोड और वायर फ्रेम का मोड ऑन कर लेंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे जेड एक्सिस पे, मैं भी इतना काफी है। और फिर नीचे वाला फेस सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं ये अभी से ग्लास की तरह लगने शुरू हो गए। आप चाहें तो आप इसे और भी छोटा कर सकते हैं। फिर मैं एक लुक कट डालूंगा यहाँ पर और इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा और एक स्टेप ऊपर कर दूंगा। आप चाहें तो आप इसे बबल भी कर सकते हैं थोड़ा सा, जी मैं करूंगा। उसके बाद मैं ऊपर वाला फेस भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा बेवल कर लेता हूँ और सबसे बॉटम वाला भी Ctrl+B। तो आप देख सकते हैं ये अभी अच्छा है, लेकिन अगर आप इस तरह बेवल नहीं करना चाहते तो आप एक और काम भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये दोनों फेसेस डिलीट कर दूं। फेसेस करना था मैंने वर्टिसेस, क्योंकि नीचे वाला रहने देते हैं। उसके बाद एक मॉडिफायर डालेंगे जिसका नाम है सॉलिडिफाई मॉडिफायर। तो अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा थिक हो गया। फिर हम इसकी थिकनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं, मैं इसको 0.5 करूंगा। और उसके बाद मैं एक और मॉडिफायर डालूंगा जिसका नाम है बेवल। मैंने इन दोनों मॉडिफायर्स के बारे में आपको बताया हुआ है। और इसके मैं सेगमेंट्स थोड़े से बढ़ा दूंगा, मे बी 5। तो आप देख सकते हैं ये स्मूथ हो रहा है, और आप चाहें तो आप अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इधर ही रुक जाऊंगा। मैं शेड स्मूथ करूंगा और एक और मॉडिफायर डालूंगा, सब डिविजन मॉडिफायर। तो ये थोड़ा सा लोड होगा क्योंकि हमने पहले बहुत सारा मॉडिफायर डाल लिए। और अब आप देखेंगे कि हमारा ग्लास स्मूथ भी हो गया है, मॉडल भी हो गया है, बेवल भी हो गया। उसके बाद हम लोग एक और प्लेन ऐड करेंगे और उसको हम लोग प्लेन ना ऐड करें, आप सर्कल ऐड करें। सर्कल ऐड करने के बाद उसको हम टॉप व्यू पहले थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, टॉप व्यू में जाएंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे कि ये बिल्कुल परफेक्टली इधर आ जाए। फिर इसको एक सब डिवीजन देंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए, और इसको इतना बड़ा करना है कि ये थोड़ा सा इस मैश के अंदर चला जाए। फिर एडिट मोड में जाके इसको F दबा देना है ताकि ये इसका फेस फिल हो जाए, F फॉर फेस। फिर ये फिल हो जाएगा, F फॉर फिल। फिर एडिट मोड में जाके इसको मैं सब डिवाइड करूंगा। तो मैं एक और काम करूंगा कि सबसे पहले तो मैं अपना काम सेव करूंगा, इसका नाम मैं देता हूँ ग्लास। ओहो, मैंने स्पेलिंग ही गलत लिख ली, मैं अभी 1 क्लास में हूँ तो इसलिए मुझे नहीं आती। फिर मैं इसमें Ctrl+R भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे लूप कट साइड पे आएंगे, क्योंकि ये सर्कल है। तो मैं एक और काम कर सकता हूँ कि इसको डिलीट कर दूंगा और एक प्लेन ऐड कर दूंगा। इसको मैं Ctrl+2 दबा के सब डिवाइड कर दूंगा, इस सब डिवीजन को अप्लाई करके एक और दफा Ctrl+2 दबाऊंगा और फिर इसको भी अप्लाई कर दूंगा। और आप देख सकते हैं कि ये वाला परफेक्टली हम लोग अलाइन भी कर सकते हैं। पता नहीं पहले मेरे जहन में ये क्यों नहीं आया, लेकिन चलें अब हो गया। फिर मैं यहाँ पर जाऊंगा, आप देख सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री भी आ गई है। अब आप सोच होंगे कि मुझे ये ज्योमेट्री क्यों चाहिए। आपको ज़रूर पता होगा, हम प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करेंगे, एक वर्टिसेस सेलेक्ट करेंगे और हम इसको ऊपर और नीचे करेंगे। फिर मैं इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, क्योंकि पानी थोड़ा बड़ा होता है, पानी हिलता है बहुत ज्यादा। तो आपने बस इसको थोड़ा वाटर का वो देना है कि ये वाटर है या फिर कोई भी जूस है।
जब आप अपने मॉडल से खुश होंगे तो फिर उसको शेड स्मूथ दे दीजिएगा। खुश ज़रूर होने वरना आपका मॉडल नाराज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली मॉडल हो गया। उसके बाद हम इसको हाइड कर देंगे और एक और सिलेंडर ऐड कर लेंगे और उसको शिफ्ट एस शिफ्ट जेड दबाकर छोटा कर देंगे, एस शिफ्ट जेड और भी छोटा। उसके बाद मैं एडिट मोड में जाऊंगा, वायर फ्रेम मोड में जाऊंगा और ऊपर वाले फेसेस सेलेक्ट करके इसको रोटेट करूंगा। पहले एक मिनट, मैंने प्रोपोर्शन एडिटिंग ऑन किया, उसको मैं बंद कर दूंगा और इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा थोड़ा सा। यहाँ पर जाऊंगा और मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लूंगा, फिर मैं इसको एक्सट्रूड दोबारा से करूंगा, इसको स्केल डाउन कर लूंगा, फिर एक्सट्रूड करूंगा, इसको स्केल अप कर लूंगा, फिर एक्सट्रूड करूंगा और उसके बाद फिर से मैं इसको स्केल डाउन कर लूंगा। आपको पता चल गया होगा कि मैं अभी क्या बना रहा हूँ। उसके बाद फिर से एक्सट्रूड करूंगा और स्केल अप कर लूंगा। एक सेकंड, ये मैंने थोड़ा कम कर लिया तो मैं इसको ज़्यादा कर लूंगा। एक्सट्रूड मैंने थोड़ा कम किया ऐसे और फिर इसको मैं स्केल अप कर लूंगा, फिर इसको एक्सट्रूड करूंगे, फिर दोबारा से इसको थोड़ा रोटेट करेंगे और स्केल डाउन कर लेंगे, एक्सट्रूड स्केल अप, बस। उसके बाद हम एक्सट्रूड कर लेंगे और इसको इस कोने में ले आएंगे और यहाँ पर हम इसको थोड़ा रोटेट कर लेंगे। पहले तो यहाँ से कंट्रोल आर दबाएंगे और यहाँ पर हम इसको रोटेट करके थोड़ा छोटा कर लेंगे और फिर ये भी सिलेक्ट करके इसको भी रोटेट करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और फिर इसको यहाँ पर ले आएंगे। आपको पता तो चल गया होगा अभी तो हम एक स्ट्रॉ बना रहे हैं। उसके बाद मैं ये फेसेस सेलेक्ट करूँगा, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा रोटेट कर लिया है तो मैं इसको ऐसे कर लूँगा इससे, फिर मैं एक और लुक कर डालूँगा और इसको बड़ा कर दूँगा। उसके बाद मैं ऑल्ट एच दबाता हूँ, फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको ऊपर ले आता हूँ और इसको मेक श्योर करना थोड़ा रोटेट करके ऐसे कर लें, ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ से ये फेस डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फेसेस, और इसको मैं एक गैस करें सॉलिडिफाई मॉडिफायर दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी मैश खराब हो रही है, मैं इसको सॉलिडिफाई मॉडिफायर को क्रॉस कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमारी बारी है प्लेट बनाने की। मैं इसको साइड तक कर लेता हूँ, एक सर्कल ऐड करता हूँ, एडिट मोड में जाके वन प्रेस करके इसको फिल कर लेता हूँ एफ दबा के और फिर इसको एक्सट्रूड करता हूँ, स्केल करता हूँ, फिर एक्सट्रूड करता हूँ और एक बार और एक्सट्रूड करके स्केल कर देता हूँ और फिर थोड़ा सा एक्सट्रूड करता हूँ। हमने प्लेट भी बना लिया। आप चाहें तो आप इस तरह भी बना सकते हैं कि आप इसको दोबारा एक्सट्रूड करें और इसको फिर से और बड़ा करें और एक्सट्रूड कर लें, बस। ये भी एक प्लेट बन सकती है लेकिन मुझे पहली वाली ज़्यादा पसंद आई है। तो मैं वन प्रेस करके इसको फिल करता हूँ, एक्सट्रूड एक्सट्रूड बड़ा, फिर एक्सट्रूड, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ऐसे और ये, फिर एक्सट्रूड, फिर एक्सट्रूड और फिर बड़ा, ये एक सेकंड, इसी को ऊपर करके बड़ा कर देते हैं और स्केल करके थोड़ा सा एक्सट्रूड। इसको मैं शेड ऑटो स्मूथ दे देता हूँ, कंट्रोल टू दबा देता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ। फिर मैं इसको बेवल मॉडिफायर देता हूँ, सेगमेंट्स के, जस्ट केयरिंग गाइस, इसको सब डिवीजन मॉडिफायर देने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर थ्री दबाता हूँ, यहाँ पर जाके इसको थोड़ा सा इंसर्ट करके डिलीट फेसेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं अंदर से नज़र आ रहा है, तो मैं टू दबाता हूँ और एफ दबा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से एक्सट्रूड करके थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, इसको मैं भी ऐसे ही रहने देता हूँ एक्सट्रूड करके और इसको शेड स्मूथ ऑटो स्मूथ मेरी भी देंगे और आप बेवल देना चाहें तो दे सकते हैं और इसके सेगमेंट्स 5, ठीक है। इसको मैं थोड़ा कम बेवल दूंगा, परफेक्ट। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक सिलेंडर ऐड करेंगे, पता नहीं कितनी बार सिलेंडर ऐड करेंगे, बस करेंगे। इसको 90 डिग्रीज रोटेट कर देंगे और जेड एक्सिस पे 45 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज रोटेट कर देंगे। फिर हम इसको एस छोटा कर लेंगे काफ़ी ज़्यादा और इसको हम डबल एक्स प्रेस कर डबल वाई प्रेस करेंगे, डबल जेड सॉरी, और इसको तकरीबन इतना बड़ा कर लेंगे।
ऐसे। उसके बाद हम एडिट मोड में जाएंगे, वायर फ्रेम मोड में, वर्टिसेस सिलेक्ट में, और यहाँ से एक्सट्रूड करके स्केल अप कर लेंगे। या फिर यहाँ से अभी हम छोड़ देते हैं, अभी एक और स्फीयर ऐड करते हैं, यूवी स्फीयर, शेड स्मूथ, कंट्रोल टू, और जिसको हम यहाँ पर ला के एस डबल जेड दबा के एडिट मोड में पहले आना है, ए प्रेस करना है, एस डबल जेड। चले हम इसको एक्स एक्सिस पर रोटेट कर देंगे, स्केल कर देंगे, और इसको हम थोड़ा सा कुछ इस तरह का कर देंगे ऐसे, इसको यहाँ से करेंगे। और तो आपको अभी पता नहीं है हम क्या बना रहे हैं, लेकिन हम बहुत अच्छा चीज़ बना रहे हैं। इसको मैं थोड़ा पीछे ले आता हूँ, और इसको मैं एडिट मोड में जाके प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करके थोड़ा सा मैं इसकी मैच ख़राब कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको नहीं बताऊँगा कि ये लेग पीस है, और लेग पीस परफेक्ट हमेशा नहीं होती, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊँगा कि ये लेग पीस है, और इसी लेग पीस को मैं छोटा कर दूँगा ऐसे और ऐसे। यहाँ से भी मैं थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ अपने लेग पीस का, मैं आपको नहीं बता रहा बस मैंने क्या बनाया है, आप जितना भी पूछे मैं आपको फिर भी नहीं बताऊँगा कि ये लेग पीस है। फिर मैं इसको कंट्रोल आर दूंगा, और यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा डाल के, यहाँ पर भी ज़्यादा वर्टिसेस डाल के इसको भी यहाँ पर करूँगा, और मैं आपको ये भी नहीं बताऊँगा कि इसकी बोन है। और इसका मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँगा, यहाँ से भी थोड़ा सा ऐसे, और इसको मैं यहाँ पर आके इसको मैं 3 प्रेस करके मैं ई एक्सट्रूड एस, पहले तो प्रोफेशनल एडिटिंग ऑफ करें, एस फिर एक्सट्रूड, और फिर एक्सट्रूड, और फिर एस, और फिर एफ। आई डोंट थिंक सो कि ये सही है, फिर भी चलेगा, लो पॉली है ना तो चलेगा। फिर मैं इस पे बेवल मॉडिफायर आई गेस डालता हूँ, और 5 सेगमेंट्स इसे भी दे देता हूँ, और इसके अमाउंट ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ी कम अमाउंट देता हूँ। उसके बाद मैं ऑल्ट एच दबाता हूँ, और ये सिलेक्ट करके इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, और ये जो हमारा ग्लास है जिसके अंदर ड्रिंक है इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, हम डुप्लीकेट बाद में करेंगे, टेक्सचर करने के बाद हम इसे डुप्लीकेट करेंगे। तो गाइस इसको मैं थोड़ा सा कॉर्नर पे कर लेता हूँ ये चीज। अब हम एक प्लेन ऐड करेंगे, उसको काफी लंबा कर देंगे, मतलब काफी लंबा कर। फिर हम इन सब को सिलेक्ट करके ऊपर कर देंगे ऐसे, और इसको ये थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया तो हम इसको भी थोड़ा बड़ा कर देंगे, और ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया उसको ऊपर कर दूँगी ऐसे, परफेक्ट। उसके बाद मैं इसको, पहले तो मैं मटेरियल्स टैब में जाऊँगा, और इसको सिलेक्ट करूँगा, प्लेट को न्यू दबाऊँगा, और इसको मैं थोड़ा सा ग्रेश दे दूँगा थोड़ा सा, और इसकी रफनेस में कम कर दूँगा 0.1, और इसका मेटालिक मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा लाइक 0.7। इट्स परफेक्ट। और उसके बाद मैं इसको भी न्यू देता हूँ, और थोड़ा सा येलोइश कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसकी रफनेस में बढ़ा देता हूँ, और इसको भी मैं न्यू और ब्राउन, डार्क ब्राउन, ज़्यादा डार्क हो गया, और यहाँ से ब्राउन। उसके बाद मैं ग्लास को न्यू ट्रांसपेरेंट फुल, और इसको मैं IQR को, ये बेसिकली IQR मतलब जैसे आपको पता है कि वाटर का IQR 1.333 के आसपास होता है, ये ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करता है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 1, बस 1। फिर मैं साइकिल्स में जाता हूँ, पहले सेव करता हूँ, उसके बाद मैं साइकिल्स में जाता हूँ, और इसको GPU कंप्यूट कर देता हूँ, क्योंकि GPU ज़्यादा तेज़ है। फिर मैं डिनोइज़र डालता हूँ, और मैं इसको मे बी 120 ही देता हूँ, सैम्पल्स मैक्स सैम्पल्स रिव्यू पोर्ट सैम्पल्स में 64 देता हूँ,
और उसके बाद मैं इसको दोबारा से सेव करता हूँ ताकि ये क्रैश ना। तो गाइस फिर मैं लाइटनिंग सेटअप पे जाकर इसको फुल ब्लैक कर दूंगा और मैं एक स्काई टेक्सचर डालूंगा। स्काई टेक्सचर इसको मैं समथिंग लाइक 5 मे बी जी परफेक्ट। और इसकी मैं रोटेशन कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे, यानी 170। और फिर मैं अपने ड्रिंक को ये ग्लास थोड़ा ज़्यादा ग्लासी हो गया तो मैं इसका IQR की तरह ये 1.333 कर देता हूँ या फिर 1.111 या फिर 1.100 या फिर 1.050 जी ये सही है। और फिर मैं अपने ड्रिंक को ऑरेंज कलर देता हूँ या फिर जो आपकी मर्जी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। इसको भी मैं ट्रांसपेरेंट करता हूँ और इसको मैं भी फुल, मैं इसको रफ कर, रफनेस इसकी मैं फुल डाउन कर देता हूँ क्योंकि ये शाइनी हमें चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर जाके एडिट मोड में जाके इसको एक्सट्रूड डाउन करूँगा यहाँ तक और इसको मैं S+Z करूँगा और 0 कर दूँगा ताकि ये परफेक्टली फ्लैट हो जाए। और फिर मैं इसको छोटा कर दूँगा समथिंग लाइक दिस। मैं यहाँ पर जाऊँगा और देखूँगा कि ये सही है कि नहीं। तो गाइस ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग होने में, तो आप उससे पहले अपना काम सेव कर लेना। तो ये है तो सही मगर फिर भी उस तरह नहीं है जिस तरह मैंने सोचा था। अगर मैं इसका अच्छा हाँ ये भी अंदर से ट्रांसपेरेंट हो गया तो मैं इसको 0.3 कर लूँगा इसकी ट्रांसमिशन को ये अंदर वाटर की वाटर यूज। और मैं अपने स्ट्रॉ को भी थोड़ा सा ग्रेश, इसको रफनेस कम फुल कम और इसको ट्रांसपेरेंट कर दूंगा 0.5 ताकि थोड़ा प्लास्टिक सा लगे। मैं फुल वाइट अगर कर लूँ और फुल ट्रांसपेरेंट कर लूँ तो भी सही रहेगा परफेक्ट। अगर मैं इसकी रफनेस 0.1 कर दूँ तो बुरा नहीं लगेगा। तो गाइस ये भी बन गया तो हम अब इसको डुप्लीकेट करेंगे शिफ्ट डी, इसको हम रोटेट करेंगे ऐसे और शिफ्ट जेड दबाएंगे तो इसको हम यहाँ पर रख के थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। तो इसको मैं रोटेट कर देता हूँ तो ये परफेक्ट है। इसको मैं थोड़ा स्केल अप कर लेता हूँ, स्केल थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं दरमियान में रख लेता हूँ। उसके बाद एक कैमरा ऐड करते हैं और हम अपनी मर्जी से कहीं पर भी इसको कैमरा को प्लेस कर देंगे। मैं यहाँ पर करूँगा और फिर मैं कैमरा को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे कर लूँगा, कैमरा को थोड़ा दूर रख के इसकी फोकल लेंथ में 100 कर दूँगा। उसके बाद मैं प्लेन का टेक्सचर अपनी मर्जी से पिंकिश कर दूँगा, मे बी ब्लूइश या फिर पिंकिश। मैं पिंकिश ज़्यादा अच्छा है, मैं इसकी रफनेस थोड़ी कम कर देता हूँ, इसका मेटालिक मैं फुल कर देता हूँ। और गाइस अगर आपने स्काई टेक्सचर नहीं भी करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको फुल ब्लैक कर दें। ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ और कोई HDRI डाउनलोड करके वो भी डाल सकते हैं। मैंने HDRI
वहाँ पर रखा है, और ये तो आप इसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है जितना स्काई टेक्सचर है। और फिर हम लोग, मैं आपको रेंडर सेटिंग भी बता देता हूँ, क्योंकि हमने इसकी एनिमेशन तो की नहीं है, तो इसलिए मैं मैनेजमेंट, कलर मैनेजमेंट में जाके स्टैंडर्ड, हाई कंस्टेंट या फिल्मिक इस वाली उसमें अच्छी है फिल्मिक, और इसको PNG रखता हूँ। नाम इसका दे देता हूँ ग्लास, और फिर मैं इसका रख लेता हूँ कि मैंने कहाँ पर इसको रेंडर करना है, और फिर मैं इसको Ctrl+F12, जब हम Ctrl+F12 दबाते हैं तब वीडियो रेंडर होती है, जब F12 दबाते हैं तो इमेज, तो हमने तो इमेज करनी है तो हम F12 दबा लेंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में मैंने आपको ये बनाना सिखा लिया, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।